ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरम मैटर, मैंने कहा कि वो फोल्ड्स बनाती है. इट मेक फोर फोल्ड्स. फर्स्ट इज द फॉक्स सेरिब्राई, देन इज द टेंटोरियम सेरिबेलाई, फॉक्स सेरिबेलाई एंड डायफ्राग्मा सेला. आई सेपरेटली टेल ईच ऑफ द फोल्ड एंड वट हाउ आर दे मेड. नाउ अ प्रॉब्लम, द थिंग इज दैट वी हैव ब्रेन इन साइड दिस होल ऑफ द स्कल. दिस होल स्कल इज कवर्ड विद ब्रेन. सी नाउ इफ दिस इज द ब्रेन, वी नो के आर टोटल स्कल, इफ आई मेड अ पर्सन्स हेड लाइक दिस, इट मीन्स द स्कल इज ऑलमोस्ट राउंडेड एंड कर्व्ड. सी लाइक दिस, ऊपर से स्कल इज कर्व्ड. नाउ इफ द स्कल इज कर्व्ड, ऑफकोर्स ब्रेन विल ऑल्सो बी कर्व्ड. सो ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन साइड द स्कल इज ऑल्सो कर्व्ड लाइक दिस. सी नाउ आई सेड के एंडोस्टियल लेयर इज लाइनिंग द स्कल, सो ये तो स्कल के साथ होगी. मेनिंजियल लेयर इज कम्प्लीटली लाइनिंग द ब्रेन. सी लाइक दिस, ब्रेन इज क्योंकि कवरिंग होल ऑफ द स्कल, सो एज एंडोस्टियल लेयर इज कम्प्लीटली लाइनिंग द स्कल, सो पे जो मेनिंजियल लेयर है इट इज कम्प्लीटली लाइनिंग द ब्रेन. इफ दिस इज द ब्रेन विच आई एम मार्किंग, हेयर वी हैव द मेनिंजियल लेयर. नाउ वी नो के अगर हमने ब्रेन को देखा हो, वी नो के ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स लाइक दिस. अगर मैं कहूँ कि ये मेरे हाथ आर द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स ऑफ ब्रेन, दिस वन इज द राइट हेमिस्फेयर एंड दिस वन इज द लेफ्ट हेमिस्फेयर. सो कुछ इसी तरह की शेप का ब्रेन होता है और उनके दरमियान में एक प्रॉपर लाइन होती है जो दो हेमिस्फेयर को सेपरेट करती है, एंड दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर लाइक दिस. सो अब जब इस मेरे पूरे ब्रेन को जो मैंने अभी हाथ से बनाया, इस सारे की कवरिंग कर रही है हमारी मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, जहाँ पर ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर आ जाएगा बीच में, जो मेरे दोनों हाथों का जोड़ है दिस वन, वहाँ पर ये वाली लेयर मेनिंजियल लेयर बीच में डिप डाउन कर जाएगी और फिर ऊपर आएगी दूसरे हेमिस्फेयर को कवर करने के लिए. सी ये मेरा ब्रेन है, ब्रेन को कवर करिए, ऐसे आ रही है ड्यूरा मैटर के मेनिंजियल लेयर. जब वो इस सेरिब्रल हेमिस्फेयर के जंक्शन पर पहुँची, एक ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, दोनों जुड़े हुए हैं. जब वो जंक्शन पर पहुँची, वो नीचे चली गई, पूरा उसने कवर किया ब्रेन की जहाँ तक ख़त्म होता है, देन उसके बाद वो फिर ऊपर आई और फिर उसने मेरे इस साइड के हेमिस्फेयर को सारे को कवर कर दिया. सो इन दिस वे हमारा मेनिंजियल लेयर का पहला फोल्ड बनता है. फोल्ड कोई भी चीज़ है जहाँ पर चीज़ आपको पता है फोल्ड हुई हो, दैट इज़ फॉक्स सेरिब्राई. ये वाला फोल्ड जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के दरमियान में आता है और फोल्डिंग बनाता है, इट इज़ नॉन एज फॉक्स सेरिब्राई लाइक दिस. ऐसे करके बिल्कुल ये फोल्ड बन जाता है. जैसे मैं एक पेपर पकड़ूंगी, ये ऐसे इस साइड पे मेरा राइट साइड पे राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, उन दोनों के दरमियान में ऐसे करके एक फोल्ड बन जाए. एक ये इस तरह से फोल्डिंग नीचे डिप डाउन हो जाए, दोनों साइड पे दो स्फेयर्स हो मेरे. सो दिस इज द फॉक्स सेरिब्राई. अब वी नो ऑलरेडी कि हमारा जो ब्रेन है वो कर्व्ड है, इट इज़ कन्वेक्स टोटली. सो जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास ब्रेन के दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो भी कर्व्ड होंगे, जब सेरिब्रल हेमिस्फेयर भी कर्व्ड होंगे तो ये जो फॉक्स सेरिब्राई बनेगा ये भी कर्व्ड सा ही होगा. मतलब ये तो फोल्ड है एक्चुअली इन दोनों के बीच में, लेकिन वो यहाँ इंटीरियरली स्टार्ट हो रहा है, पोस्टीरियरली ख़त्म हो रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्रेन के दोनों लेयर्स के बीच में डिप डाउन कर रहा है. सो उसकी भी शेप कर्व्ड होगी. तो इसलिए विनो के सिकल जो है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है. आपने सिकल देखा है, ऐसे होती है उसकी, मून की तरह की शेप होती है. सो इसको भी हम कहते हैं कि सिकल शेप है जो दो ब्रेन की लेयर्स के दरमियान में ऐसे आके फोल्ड बना रहे हैं. ठीक है, इंटीरियरली कहाँ अटैच होता है, क्रिस्टा गेलाए पे. ये क्रिस्टा गेलाए है ब्रेन पे, इंटीरियरली ये यहाँ पर अटैच होगा. ऐसे मैं इसको रख के बताती हूँ लाइक दिस, जस्ट अ सेकेंड, इट विल बी क्लियर, एक मिनट. जैसे अब ये मेरे पास ब्रेन है, स्कल है, ये उसकी साइड है. ठीक, यहाँ से वो फोल्ड स्टार्ट होगा क्रिस्टा गेलाए से. बी स्टेबल हियर लाइक दिस. या तो ये सेट के यहाँ पर से अब वो शुरू होगा फोल्ड क्रिस्टा गेलाए पे, मतलब इनर साइड ऑफ स्कल पे अटैच होगा, सारे ब्रेन को कवर करता हुआ, एंड देन पोस्टीरियरली वो टेंटोरियम सेरिबेलाए पे आके ख़त्म हो जाएगा. व्हाट इज टेंटोरियम सेरिबेलाए मैं अभी बताती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा. आप ये याद रखें कि क्रिस्टा गेलाए से स्टार्ट होना है, सारे दोनों ब्रेन को कवर करके यहाँ पर आके ख़त्म हो जाना है. इसी तरह जाहिर है मैंने कहा कि ब्रेन के दो हेमिस्फेयर्स के दरमियान में होता है, सो उसकी मैं कहूँगी कि उसकी साइड्स भी दो होंगी और उसके एंड्स भी दो होंगे. किस तरह, इंटीरियर एंड हो गया एक, तो पोस्टीरियर एंड हो गया, ये बात तो समझ आ गई. दूसरी बात क्या, अब ये स्कल ऐसे है, ब्रेन इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये ब्रेन की राइट साइड है, ये ब्रेन की लेफ्ट साइड है, ये बिल्कुल मिड प्लेन है. ठीक है, मिड प्लेन में हमें सूचर भी नज़र आ रहा है.
अब इस मिड प्लेन में ऐसे करके फोल्ड गया है बीच में, ठीक है, फोल्ड करके यहाँ पर से ब्रेन को कवर करता करता आ रहा था वो लेयर, उसकी बीच में फोल्ड करके चली गई, पूरा फोल्ड बन के ऊपर आया और फिर से दूसरी साइड को कवर किया। एक जब ऐसे बीच में एक फोल्ड बनेगा तो फोल्ड की भी एक राइट साइड होगी, फोल्ड की भी एक लेफ्ट साइड होगी, यही बात होगी। इसी तरह जब फोल्ड जहाँ पर पहले चल रही थी ब्रेन पे ऊपर ऊपर था, फिर वो नीचे डिप डाउन कर गया, फिर ऊपर आया, तो एक उसकी ऊपर साइड वाली होगी, एक उसकी नीचे वाली साइड होगी। इस तरह हमारा पूरा फोल्ड जो है वो बन जाता है मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर से विच इज़ नॉन एज फॉक्स सेरिब्राई। और उसकी पिक्चर भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पहले आप टेंटोरियम सेरिबलाई को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन मैं दोनों की एक साथ पिक्चर दिखाऊंगी। अब टेंटोरियम सेरिबलाई क्या है, दूसरी चीज़ आ गई। सी वी नो के ये है जी हमारा सारा पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा, जिसे मैं मार्क कर रही हूँ इस वक्त, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में हमारे पास पड़ा हुआ है हाइंड ब्रेन भी, और इस जगह से पास करना है मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम ने। हाइंड ब्रेन यहाँ पीछे पड़ा हुआ है जिसमें सेरिबेलम है एंड पोन्स एंड मेडला। पोन्स मेडला तो ब्रेन स्टेम का पार्ट होते हैं और सेरिबेलम पीछे होता है। अब इस सारे के सारे पोर्शन ऑफ हाइंड ब्रेन को, क्योंकि हाइंड ब्रेन इधर नीचे वाले लेवल पे होता है, ऊपर वाले लेवल पे सारा हमारा ऊपर वाला फोर ब्रेन होता है, तो फोर ब्रेन पूरे के पूरे को जिस सारे को कवर कर रहा है नीचे वाले हाइंड और मिड ब्रेन से सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक फोल्ड बन जाता है ड्यूरा मैटर का, उसकी मेनिंजियल लेयर का कुछ ऐसी शेप का, बिल्कुल एग्जैक्टली इस शेप का जिस शेप का पेज मैंने कट किया और यहीं पर अटैच होगा जहाँ पर मैं इसे फिक्स कर रही हूँ, लाइक दिस, सेम ऐसे है। कहाँ कहाँ अटैचमेंट है इसकी, ये एक ड्यूरा मैटर का फोल्ड बनता है जो कि पीछे से देखें तो इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस देन ट्रांसवर्स सल्काई, ये हर चीज़ मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि ये क्या होती है, इसलिए दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। मैंने कहा इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पे, देन ट्रांसवर्स सल्काई पे अटैच हो गया। ट्रांसवर्स सल्काई से होता हुआ आगे आया तो पोस्टीरियर क्रिनोइड प्रोसेसेस आएंगे, उन पे अटैच होगा ये, उन पे अटैच होने के बाद ये फ्री हो जाएगा, बाकी सारा ये साइड से अटैच्ड होगा यहाँ तक अप टू द पोस्टीरियर क्रिनोइड प्रोसेसेस, उसके बाद ये फ्री हो जाता है। उसके बाद जो इसका अटैच्ड एंड है वो सिर्फ ये इसके एंटीरियर प्रोसेसेस हैं जो आगे आए हुए होते हैं, और ये एंटीरियर क्रिनोइड प्रोसेसेस के साथ अटैच हो जाते हैं इस फोल्ड के प्रोसेस। इस तरह इसकी अटैचमेंट होती है हमारे टेंटोरियम सेरिबेलाई की। बीच में ये जो एरिया रह जाता है विच इज़ फ्री मार्जिन, इट इज़ नॉन एज टेंटोरियल नॉच। सी आउटर मोस्ट इज़ द फिक्स्ड मार्जिन, ऑल द आउटर मार्जिन एंड दिस सेंट्रल मार्जिन इज़ द फ्री मार्जिन। कहाँ कहाँ अटैच्ड है सारी जगह मैंने एक्सप्लेन कर लिया, आप लोग रिमाइंड करके देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट फोल्ड्स हैं। ये क्या करता है कि ये एक सरफेस एरिया या फिर एक सेपरेशन बना देता है बिटवीन द फोर ब्रेन जो इसके ऊपर लाए कर रहे हैं एंड मिड एंड हाइंड ब्रेन जो इसके नीचे लाए कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करी थी कि जो आपका पहले वाला फोल्ड है यानी कि फॉक्स सेरिब्रा, वो इंटीरियरली शुरू होगा, यहाँ से आता आता पीछे आएगा और वो आके इस टेंटोरियम सेरिबेलाई की अपर सरफेस पे ख़त्म हो जाता है। ये वो टेंटोरियम सेरिबेलाई है, इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये आपके आके दूसरा मेनिंजियल फोल्ड, बाकी नेक्स्ट पार्ट में।